गाइस वेलकम बैक टू आशीष गार्डन एंटरटेनमेंट। क्या आपने जेनी भाई के साथ जो मैंने कोलैब किया वो वाला वीडियो देखा? नहीं देखा अब तक? अरे क्या कर रहे हो यार, पहले जाके वो देख के आओ। तो आज का ये जो वीडियो है वो तानाजी की जो मेन ट्यून है वो FL स्टूडियो के अंदर हम कैसे करने वाले वो हम दिखाने वाले। अभी जो आपको मैंने दिखाया वो एक एक पार्ट था और उसको मैंने कैसे बनाया उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यस, अपने चैनल पे FL स्टूडियो ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे वीडियोस हैं FL स्टूडियो के, और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई FL स्टूडियो ट्यूटोरियल बहुत दिन से नहीं आया तो कहाँ है। तो आज कर रहे हैं FL स्टूडियो ट्यूटोरियल। और वो शुरू करने से पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ सुपर चैट सेंडर्स को। थैंक यू सो मच विपिन सिंह भाई को। लास्ट वीडियो हमने ब्रेथलेस का डाला है, उसमें उन्होंने सुपर चैट भेजा। उसी के साथ केदार भाई, कल्याणी ताई और योगेश भाई तो हमारे साथ थे ही, बट हमारे साथ पियानो लवर गणेश है, चैनल के गणेश भाई भी थे, उन्होंने सुपर स्टिकर भेजा। थैंक यू सो मच यार, ये सुपर चैट आर्मी में है ये सभी लोग। और उसी के साथ और एक नाम मैं लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें जी पे से मदद की है, अभिषेक इनका नाम है, तो उन्होंने हमें गूगल पे से मदद की है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अभी हम देखते हैं ये तानाजी वाली ट्यून कैसे बजाई है हमने FL स्टूडियो में, और बिना मिडी के, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं उसमें बजाया, सिर्फ लैपटॉप के अंदर विदाउट एनी कीबोर्ड कीपैड का। आप ये कैसे बना सकते हो वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को। सो गाइज, ये हम आ गए हमारे FL स्टूडियो के अंदर। मेरे पास जो FL स्टूडियो वो बहुत ही पुराना FL स्टूडियो 10 मतलब बेसिक वर्जन। अभी सबसे पहली चीज क्या करना है, तो हमें टेम्पो सेट करना है। ये देखो मैंने 85 का टेम्पो सेट कर दिया। उसके बाद मैं चैनल्स में गया और चैनल्स में जाके मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया वो था पैड सेक्शन, मुझे रिकॉर्ड करना था। तो पैड सिलेक्ट करने के लिए मैंने एथिकल पैड एथीरियल पैड, उसमें से हमें F शार्प ये नोट हमें चाहिए, तो F शार्प के नोट पे मैंने माउस से क्लिक कर दिया। तो देखो ये नोट वहां पर रख के हो गया। अभी ये नोट को मैं खींचूंगा और एक बहुत बड़ा मतलब लेंथ हमें बड़ी मिल जाएगी। उसको मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, उसके वजह से थोड़ा सा बेसी पैड हमें मिल गया, ये वाला साउंड मिल गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट, मतलब जो हमने टेम्पो सेट किया था उसके बाजू में सेकेंड पार्ट है, उस पर क्लिक किया, बेस हमने सिलेक्ट किया, बेस चैनल में जाके सिलेक्ट किया। और अभी देखो ये बेस को मैं थोड़ा सा EQ दिया और यहां पर हमें क्या बजाना है, तो डंग 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 डंग, इतने ही नोट्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सात नोट्स हमें रखने हैं। तो ये देखो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, बट एक 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 नोट को मैं रखते जाऊंगा और चेक करते जाना है गाइस। हर बार आप जैसे रखोगे उसको चेक करते जाओ, अदरवाइज वो यहां वहां हुआ तो ऑफबीट सुनाई देगा, गलत सुनाई देगा। करेक्ट, डंग 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 डंग, ये ऐसे है। तो ये होने के बाद अभी हमें इसके ऊपर बीट सेट करने, रिदम सेट करना है। अभी रिदम के लिए मैं थर्ड पार्ट में जाऊंगा। देखो ये पार्ट मतलब आपको समझ में आ गया कहां पर है। अभी पहले हम किक सेट करेंगे। किक, ये जो ओरिजिनल FL स्टूडियो की किक है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं साउंड होता, उसका अलग ही साउंड है कुछ, तो वो मैंने चेंज की और मेरे पास जो डिफॉल्ट में थी वही मैंने यूज की है। हमें सिंपल रखना है ये FL स्टूडियो ट्यूटोरियल, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा उसमें ऐड नहीं कर रहा हूं या कि EQ कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो देखो अभी हमें जो बेस चाहिए वो है ढग 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 ढग। अभी और बेस उसमें थोड़ा सा इंडियन लगे, इसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा ऑर्केस्ट्रल किट, जो चैनल में जाके आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसमें एक बेस आपको मिल जाता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक क्या कह सकते हैं उसे, एक प्रॉपर किट होता है जिसमें बेस ड्रम बजता है, तो वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और उसको और हैवी करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और दो तीन जो ड्रम वहां पर इफेक्ट है मतलब साउंड है वही यूज करूंगा कॉपी पेस्ट करके। तो अभी हम सुनते हैं ये ड्रम कैसे सुनाई दे रहा है, देखो ठक ठक ठक। हाँ, सो ये हमें साउंड चाहिए था। अभी इसके ऊपर हमें हाई हैट सिलेक्ट करना है, हाई हैट यानी जो ये, उसके पहले क्लैप हमने लगा दिया, यानी ये देखो डंग 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 डंग, ये हमने सिलेक्ट किया, ये साउंड है। इसके ऊपर टंग 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 टंग, ये होने वाला है। अभी इसके बाद हम ये हाई हैट सिलेक्ट करेंगे, देखो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, ये हमने किया। अभी इसको थोड़ा इंडियन फील देने के लिए वो जो हमने ऑर्केस्ट्रा सिलेक्ट किया था उसमें ही मैं जाऊंगा पियानो रोल पे क्लिक करके। यहां पर देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा जो शेकर या परकशन हम कहते हैं जिसे, उसके साउंड इसमें अच्छे मिले मुझे,
मतलब बेसिक इसमें भी अच्छे साउंड है वो, तो वो मैंने एक 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 नोट पे रख दिए है। जैसे सिंपल कर दिया मैंने इसको और थोड़ा सा हैवी कर दिया, समझ में आ गया आपको? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एफएल स्टूडियो का ट्यूटोरियल उनको कुछ भी नहीं समझेगा, बट ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप म्यूजिक अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। देखा, ये ऐसे हो गया एक। अभी ये हमारे हाथ में एक पूरा रिदम आ गया, रिदम सेक्शन आ गया। अभी हम आगे जाएंगे, फोर्थ पार्ट पे क्लिक करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम रखेंगे हॉर्न्स। यहां पर देखो फ्रेंच हॉर्न्स करके ऑर्केस्ट्रा में आपको मिल जाएंगे, तो फुल फैट मतलब ऐसे अटैकिंग फैट है वो, तो उसके नाम ही वैसे ही है, फ्रेंच हॉर्न अटैक। तो इसको अभी क्या करना है हमें, तो इसको देखो मैंने रखते जा रहा हूं और चेक करते जा रहा हूं कि बीट पे है या नहीं है। अगर गलत है तो उसको चेंज कर रहा हूं। हाँ अभी ये गलत है, अभी चलते रहना चाहिए। देखो ये थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, अभी परफेक्ट ये हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। तो इसको भी मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया गाइस नीचे, तो फैट एकदम ऐसा अटैकिंग हॉर्न हमें मिल गया। सो ये सब जो हम पार्ट्स बना रहे हैं उसको एंड में हम सॉन्ग के अंदर डालने वाले, वो भी कैसे मैं दिखाऊंगा। अभी इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे जाएंगे और यहां पर सितार सिलेक्ट करेंगे। सितार इंडियन है, तो देखो ये इंडियन सितार। अभी यहां पर हमें एफ शार्प पे चार बार रखना है टंग 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 टंग, उसके बाद जी पे चार बार रखना है टंग 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 टंग, उसके बाद फिर से एफ शार्प पे टंग 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 टंग। ये दो अलग है, देखो ये मैंने चार रखे, इसकी साइज देखते जाओ और परफेक्ट मेजरमेंट पे उसको रखते जाओ तो वो परफेक्ट साउंड होगा, अदरवाइज वो ऑफ बीट सुनाई देगा। परफेक्ट हुआ ये टंग 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 टंग। अब इसको कॉपी किया और जी पे रख दिया टंग 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 टंग। हाँ अभी थर्ड इसमें भी एफ शार्प पे ही है, अभी यहां पर टंग टंग, सिर्फ दो ही नोट है वो है जी और ई। देखो टंग 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 टंग। अभी ये मैंने गलत जगह पे रखा, ऑफ बीट सुनाई दे रहा है, थोड़ा आगे पीछे करेंगे। हाँ ये थोड़ा सही सुनाई दे रहा है टंग 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 टंग। ओरिजिनल जैसे थोड़ा तो सुनाई देना चाहिए गाइस, तो ही वो डन करो और आगे जाओ। यस, तो हमें ये भी मिल गया। अभी ये पूरे सभी पार्ट जो हमने अलग 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 किए उसको सॉन्ग पे जाके हमें उसको चिपका देना है। मतलब कैसे करना है, सॉन्ग का कौन सा ऑप्शन है आपको दिखाता हूं मैं। जहां पर पियानो रोल है गाइस, यहां पर देखो ये इस पे हमें रख देना है, और देखो मैं इसकी मेजरमेंट परफेक्ट रख रहा हूं कहां कहां पे रखना है। हर एक पांच ट्रैक जो अलग अलग है, फर्स्ट पैड अभी बज रहा है, उसके बाद बेस गिटार बज रही है, ये अभी रिदम बजने लगा, अभी इसके बाद हॉर्न बज रही है, समझ आ रहा है आपको? अभी मेन ट्यून बजने लगी, थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा आई होप आपको। तो ऐसे आप कर सकते हो विदाउट मिडी, थोड़ा सा मुश्किल है बट आप कर सकते हो, गाइस थोड़े पेशेंस रखना और उसके साथ करते रहना। और ये जो एफएल स्टूडियो है बहुत ही बेसिक वाला है, और एंड में मैंने सिर्फ सोलो दो उसके पार्ट रख दिए सितार के। तो गाइज यही था आज का वीडियो, आई होप आपको थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट में हुआ है, अगर आपको इसका स्लो मतलब आराम से सीखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि एफएल स्टूडियो के बारे में थोड़ा स्लोली बताओ, आराम से बताओ। ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली करेंगे। और अभी भी फिर से बताता हूं, जेनी भाई के साथ हमारा पहला कोलैब हुआ है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देख के आओ, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। अपने 40,000 होने को आए, बट 40,000 जल्दी से जल्दी कर दो। आगे मैं वॉकबैंड को ट्यूटोरियल भी करने वाला हूं, प्लस कवर्स आने वाले हैं, कुछ नए व्लॉग्स आने वाले इस चैनल पे, एंटरटेनिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, आपको मजा आने वाला है इस चैनल के साथ। अगर मैं आपको पसंद आया हूं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मार दो, अपना पेज भी है वहां पर ashish.gade.ent करके, उसको भी फॉलो कर देना, वहां पर कॉमेडी वीडियोस डालते रहता हूं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर ये देखो ये लिंक आ रही है ना,
गूगल पे या यूपीआई या पेटीएम में यूपीआई से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, क्योंकि कॉपीराइट के चलते अर्निंग्स तो जनरेट नहीं हो रही है ज्यादातर। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली सपोर्ट कर देना। ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एज ऑलवेज गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एट सेम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।